तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा टच फ्री स्विचेस। मतलब इनिशियली ऐसी चीज़ है जो हर जगह होती है, हर अप्लायंस के लिए एक इंडिविजुअल स्विच होता है। तो नाउ डेज जैसे कोरोना का जो चल रहा है कि ये अपने हैंड टचेस वगैरह अवॉइड करें, तो हमारे घरों में ये सब जगह कॉमन होता है, एक चीज़ से स्विच होता है, ठीक है। तो इनिशियली इस प्रोजेक्ट में मैंने क्या करा है कि एक स्विच बनाया जिसे हमें छूना ना पड़े, ठीक है, टच फ्री। एंड ऑल्सो ये ऐसे ही बेनिफिशियल है कि हमारे कन्वेंशनल स्विचेस होते हैं वो मैकेनिकल होते हैं, ठीक है। तो उसमें ड्रॉबैक क्या रहता है, उनकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है कि ये इतनी बार ऑन ऑफ हो सकता है, उसके बाद हमें चेंज करना पड़ता है। बट इनिशियली देखा जाए जो हमारा प्रोजेक्ट है, इसकी कॉस्ट जो नॉर्मल कन्वेंशनल स्विचेज हैं हमारे उनसे थोड़ी सी हाई है, इतनी भी हाई नहीं है बट थोड़ी सी हाई है। बट ये उनसे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, इफेक्टिव है, एंड कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लाइफ है विद रिस्पेक्ट टू देम, ठीक है। इनिशियल कॉस्ट इसकी काफ़ी हाई है। तो जो मैंने बनाया है इनिशियली, इसकी कॉस्ट है नियर अबाउट 100 to 110 rupees, ठीक है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं बट वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं, नियर अबाउट 600 rupees या 300 to 500 rupees ऐसे में अवेलेबल होते हैं। बट वो थोड़ा सर्च आउट करोगे आप तो मिल जाएंगे, आपको अवेलेबल हो जाएंगे ऑनलाइन, अमेजोन पे मिल जाते हैं, ठीक है। अब इनिशियली मैं दिखाता हूँ जो मैंने बनाया वो कुछ इस तरह से है, साइज का है प्रॉपर देख सकते हैं इस तरह से ये कुछ चल रहा है, प्रॉपर वर्किंग में है, मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये एक इसका बेसिक प्रोटोटाइप है, तो इस पर थोड़ा सा और काम करूँ सो दैट इसे मैं एक बॉक्स में बना सकूँ, एज एन प्रोडक्ट टाइप कह सकते हैं कि घर में यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल वर्किंग में। तो पर्सनली मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। इनिशियली ये कैसे वर्क कर रहा है तो वो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इनिशियली इसमें जो है, फर्स्टली आई एलाबोरेट व्हाट पार्ट इज डूइंग what role in this project. This one is the sensor part which will detect the hand gesture or motion without any contact, and this one is the actuating part with whom our appliance or any device will be connected so that it can turn on and off. And this one is the power supply for right now, but after implementing in that switch we'll have a power supply on board. So let's demonstrate. So as you can see, this one right now is in off state indicating. I have used two indicators, red one is for the off state and green one for the on state. See, this one is on, off, on, see, there is no contact of my hand but still it's working. Even though you can see the infrared light right now emitting from this dial, but we can't see this light from our naked eyes. Actually works. मैं explain करता हूँ। ये काफ़ी छोटा बन सकता है but currently जो components मेरे पास available हैं वो इस size के हैं कि ये इस बड़े size में, otherwise ये सिर्फ इतने size में, मतलब mostly ये products available होते हैं Amazon पे। इट्स नियर अबाउट 600 rupees, बट जो मेरे इसकी कॉस्ट आई है नियर अबाउट 100 to 110 rupees। बट अभी इसमें एक इशू है कि ट्रांसफार्मर वाली पावर सप्लाई मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट ट्रांसफार्मरलेस पावर सप्लाई जो इस साइज़ की होती है, लेट मी शो यू, कुछ इस साइज़ की होती है। मतलब यहाँ से हमारी मेन AC इनपुट आती है और ये हमारी DC आउटपुट होती है जो हमारी पावर सप्लाई में लग जाएगी। बट दिस वन इज़ नॉट करंटली वर्किंग, तो मैं यूज़ नहीं कर पाया, तो मुझे ट्रांसफॉर्मर वाली यूज़ करनी पड़ी। अदरवाइज़ ये सारा सेटअप एक बॉक्स में पैक करके भी उस पर काम कर रहा हूँ। तो हम वापस आते हैं इस पर, ये कैसे काम करता है। तो जो पहला स्टेप है हमारा, जो स्विच होता है वो तो पैरेलली लगा रहेगा, ठीक है, उसमें हमने कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज़ हमारा कनेक्टेड है। तो सबसे पहला आता है हमारा पावर सोर्स अडेप्टर, जो कि हमारे सर्किट को पावर करेगा। मोस्टली सारा सर्किट हमारा 5 volts पे काम कर रहा है, तो हमने जो अडेप्टर लिया हुआ है वो 5 volts देगा हमारे IR सेंसर को, जो कि मेन सेंसिंग एलिमेंट है, जो कि हमारे हाथ को या हमारे किसी भी गेस्चर को डिटेक्ट करेगा। तो ये हमारा सेंसिंग पार्ट है। फर्दर हमने आगे एक बेसिक जो होता है लॉजिक लगाया है, एक काउंटर IC यूज़ करी है। सपोज़ अगर हमने यहाँ पर गए हैं, एक बार पल्स दी है, ठीक है, तो एक पल्स जनरेट होती है, सेंसर ऑन होके ऑफ हो जाता है, तो एक पल्स जनरेट होती है जो इस काउंटर में जाती है। फर्दर ही काउंटर में आगे 10 आउटपुट्स होती हैं, ठीक है, जैसे हम लैच करते हैं वो पहली आउटपुट ऑन हो जाती है,
ठीक है, अगर आप 40 तारे के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन होगा, आपको पता चल जाएगा काउंटर कैसे काम करता है ये। तो पहली आउटपुट लैच हो जाती है, ठीक है, जैसे ये मेंशन कर रखा है। और उसमें हमने जीरो पे, जो इसकी इनिशियल स्टेज है, बाई डिफॉल्ट ऑन होती है, जीरो पे रहता है, तो हमने वहाँ पर रेड इंडिकेटर लगा रखा है, ठीक है। इनिशियली जैसे भी ऑफ स्टेट में है तो वहाँ पर रेड इंडिकेटर है, तो जैसे ही हम लैच करते हैं तो इनिशियली वो अगले पे स्विच हो जाता है, वहाँ पर हमारी ग्रीन एलईडी है प्लस हमारा उसके साथ रिले कनेक्टेड है, जो कि हमारे फर्दर एज अ स्विच एक्ट करेगा इस स्विच की जगह। मीनवाइल जैसे ही एक और बार हम पुश करते हैं वो थर्ड पे आता है, एंड थर्ड हमने कनेक्ट कर रखा है रीसेट से, जो कि इस पूरे लैच सर्किट को रीसेट कर देता है, एंड अगेन वो इस वाले पे आ जाता है, अगले काउंटर्स पे नहीं जाता है। तो ये बेसिक इस लॉजिक पे काम करता है। सो इसमें हमारी ऑफ है उस टाइम रेड एलईडी इंडिकेट करता है, सेकंड पे ऑन हो जाता है, थर्ड पे रीसेट होके वापस ऑफ स्टेट पे आ जाता है। तो बेसिक इस लॉजिक पे काम करता है। तो हमारा मेन रोल है यहाँ पर एक आईआर सेंसर, एक काउंटर आईसी एंड लैचिंग सर्किट फॉर द स्विच। पावर सप्लाई अभी हमारी बड़ी है, अदरवाइज दिस वन सेटअप जो हमारा मेन है वो काफ़ी छोटे में आ जाता है। तो दिस इज हाउ ऑल इट्स वर्क। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है, रिगार्डिंग रिलेज और एनीथिंग एल्स यू नो, ठीक है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और सेंड एन ईमेल एट क्वेरी एट द रेट इनोवेशन एफ आई। आई रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल। टिल दैट स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद।